बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेरे चैनल आबरूज़ किचन में वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, जैसा कि आपको पता है समर सीज़न है, समर सीज़न में ड्रिंक्स वगैरह जो फ्रेश जूस हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं आज बनाऊँगी प्लम जूस यानी कि आलू बुखारे का जूस, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एनर्जी देता है। ये शुरू करते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। या मैंने एक पाव के करीब आलू बुखारा लिया, जो मैं छिलके उतार के और इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। एक अदद नींबू का रस है, हाफ टी स्पून के बराबर मेरे पास काला नमक है, एक छोटी प्याली मेरे पास चीनी है, पानी हम इसमें हंसब जरूरत इस्तेमाल करेंगे और बर्फ़ भी हंसब जरूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना आप ठंडा पसंद करते हो। चलें सबसे पहले अब हम गुठलियाँ निकाल लेंगे छिलके उतार के आलू बुखारे के। ये देखें मैंने सेट कर लिया है इसको। अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में, ब्लेंडर में डाल देंगे हम इसको। और अब डालेंगे हम इसमें नींबू का रस, काला नमक ये हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे, और एक प्याली है चीनी। ये एक जग के लिए है सारी चीज़ें, दो गिलास है पानी, और बर्फ़ हम इसमें डालेंगे हसब ज़रूरत, जितना आप ठंडा पसंद करते हो। अब हम इसको कर देंगे ब्लेंड अच्छा सा। फ्रेश जूस को खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं, फ्रेश जूस की क्या ही बात है, जो आंखों के सामने घर में बने। अच्छा से ब्लेंड करेंगे चार पाँच मिनट्स को। ये हो गया हमारा ब्लेंड। ये देखें 5 मिनट लगते हैं, कोई भी गेस्ट आए, बच्चे मांगे जूस, और 5 मिनट में आपका जूस रेडी। अब मैं सर्विंग डिश तैयार कर लेती हूँ। देखें मैंने 2 गिलासों में डाला है, ये मेरे एक जग में इस तरह के 3 गिलास बने हैं, और डेकोरेशन के लिए मैंने लगा दिए हैं थोड़ा सा आलू बुखारा काट के साइडों पे। ये देखें बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा बना है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि कैसी लगी रेसिपी आपको। और जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस बढ़ते मर्ज़ कोरोना से पूरी दुनिया को निजात अता फरमाए, आमीन। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।